तो पार्ट थ्री अब हमने डिस्कस करना है बेटा, क्लास सेवन मैथमेटिक्स का जो हम चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं इंटीजर्स, उसमें अभी पार्ट थ्री में हमें देखनी है प्रॉपर्टीज एडिशन की और सब्ट्रैक्शन की। देखिए जो मैंने अभी आपको पार्ट टू में एक्सरसाइज करवाई है, यू विल से कि हमने उसमें एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की है, बट बेटा जो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है ना इंटीजर्स की, वो बहुत कंफ्यूज करती है बच्चों को, तो आपने उसको फिर से अच्छे से समझना है। तो उसके लिए हमें पहले प्रॉपर्टीज देखनी है। तो पहली जो हमारी प्रॉपर्टी है दैट इज क्लोजर, क्लोजर अंडर एडिशन। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लोजर प्रॉपर्टी? व्हेन वी से इंटीजर्स आर क्लोज्ड, इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। फॉर एनी टू इंटीजर्स, व्हेन आई से ए एंड बी, लेट अस से दीज आर टू इंटीजर्स, आई एम एडिंग देम, ए प्लस बी इज ऑल्सो एन इंटीजर। कभी भी आप कोई दो इंटीजर लेते हैं, आप उन दोनों को ऐड करते हैं तो आपको फिर से इंटीजर मिलेगा, इसी को हम बोलते हैं क्लोजर। आई विल से इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। हम उसके लिए कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे सपोज मैंने बोला थ्री को मैं ऐड कर रहा हूं किसमें, फोर में, तो ऑब्वियसली मुझे मिलेगा सेवन। सपोज मैं माइनस नाइन ऐड कर रहा हूं माइनस टू में, तो मुझे क्या मिलेगा? माइनस इलेवन। ठीक है, सिमिलरली आप बोलेंगे थर्टीन में माइनस टू ऐड कर रहा हूं, अगेन आई विल गेट इलेवन। तो स्टूडेंट्स जब भी आप दो इंटीजर्स को ऐड करेंगे आपको इंटीजर ही मिलेगा, बस ये हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी है, क्लोजर अंडर एडिशन। फ्रेंड्स जैसे हमने पढ़ा क्लोज्ड अंडर एडिशन, सिमिलरली वी हैव क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। सपोज मैंने दो इंटीजर्स लिए तो ए एंड बी, ए माइनस बी भी आपका हमेशा इंटीजर ही आएगा, इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। तो अगर आपको जनरली हम बोलें कि दो इंटीजर हैं, आप उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो सब्ट्रैक्शन से आपको और डेफिनेटली सिर्फ एक इंटीजर ही मिलेगा। तो एग्जांपल के लिए सपोज मैंने आपको बोला कि थ्री में से टू को आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है, यू आर सब्ट्रैक्टिंग थ्री माइनस टू, वी आर डूइंग थ्री माइनस टू, तो क्या मिला? वन। उसके अलावा आप बोलेंगे कि टेन में से मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, ठीक है, व्हाट विल गेट? नाइनटीन। कुछ भी आप लें, कोई भी दो इंटीजर लें, आप कभी भी उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको एक इंटीजर ही मिलेगा, उसको हम बोलते हैं इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट इज वन मोर प्रॉपर्टी दैट इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कम्यूटेटिव को इन जनरल आप कैसे लिखते हैं बेटा? कम्यूटेटिव को इन जनरल आप बोल सकते हैं कि ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, यानी कि ऑर्डर मैटर नहीं करता, आप नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं। सो व्हाट वी आर सेइंग, थ्री प्लस फाइव इज फाइव प्लस थ्री, दैट इज एट। तो होल नंबर्स भी आप किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हो, तो एडिशन इज कॉम्यूटेटिव फॉर होल नंबर्स एज वेल एज एडिशन इज कॉम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स, बट सब्ट्रैक्शन हमारी कॉम्यूटेटिव नहीं होती, ये इंपॉर्टेंट है। कैसे नहीं होती, क्यों नहीं होती? ठीक है, तो उसके लिए आप एक दो एग्जांपल लेके देखिए। देखिए जब मैंने बोला कि एडिशन कॉम्यूटेटिव होती है, तो व्हाट डज दिस मीन? कि मैंने बोला 10 प्लस 3 इज इक्वल टू 3 प्लस 10, दोनों का रिजल्ट आपका 13 ही आएगा। बट व्हाई वी आर सेइंग दिस, सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव, क्यों बोल रहे हैं ऐसा? तो आपको पता है कि 2 माइनस 10 कितना होता है? माइनस 8, बट 10 माइनस 2 इज 8 ओनली। तो हमने क्या देखा? 2 माइनस 10 इज नॉट इक्वल टू 10 माइनस 2, दोनों इक्वल नहीं है, तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव। ठीक है, कम्यूटेटिव का आपको मीनिंग पता चल गया। कम्यूटेटिव इज व्हेन वी से दैट ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, वी कैन ऐड देम इन एनी ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर डजेंट मैटर, सो दैट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है हमारी
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो एसोसिएटिव एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर इंटीजर्स, है ना। अब ये एसोसिएटिव होती क्या है, तो इसके लिए देखिए, इफ ए प्लस बी प्लस सी, क्या ये इक्वल होगा ए प्लस बी प्लस सी के? भाई देखिए हमने क्या किया है यहां पर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसोसिएटिविटी। मैंने पहले बी प्लस सी किया, यानी कि अगर मेरे पास तीन नंबर हैं उनको मुझे ऐड करना है, तो मैंने क्या किया, यहां पर बी और सी को पहले ऐड किया, देन ए को उसमें ऐड किया, और यहां पर मैं क्या कर रहा हूं दूसरी तरफ, पहले मैंने ए और बी को ऐड किया, फिर मैं उसमें सी को ऐड कर रहा हूं। तो इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं, देन वी विल अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे। सपोज मेरे पास है 3 + 10 + 9, लेट अस से। अब मैं पहला ये वाला केस ले रहा हूं, तो मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, 10 और 9 को पहले ऐड किया, सो व्हाट इज माय रिजल्ट, 3 + 19 कितना आ गया, 22। अब मैं दूसरा केस ले रहा हूं, मैंने फिर से यही नंबर लिखे, ठीक है, तो यहां पर मैंने क्या बोला आपको, मैंने इन दोनों को पहले ऐड किया, यहां पर क्या बोल रहा हूं मैं, मैंने इन दोनों को पहले ऐड कर दिया, ठीक है। सो व्हाट वी आर डूइंग, 3 + 10 = 13, 13 + 9 अगेन यू विल गेट 22। तो आप देखिए, एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर इंटीजर्स, दिस इज अवर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, दैट इज ए प्लस देन ब्रैकेट बी प्लस सी, वी आर एडिंग देम फर्स्ट इन दैट एडिशन, है ना, दिस नंबर इज एडेड टू ए, और यहां पर हमने क्या किया, ए प्लस बी पहले किया, फिर उसको ऐड किया सी में, ठीक है। तो ये थी हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट इज, व्हाट इज एडिटिव आइडेंटिटी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। पहले आपने पढ़ा हुआ है, जीरो इज एन एडिटिव आइडेंटिटी फॉर होल नंबर्स एंड फॉर इंटीजर्स एज वेल, ठीक है। अब एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, सपोज मैंने आपको एक नंबर दिया, मैंने बोला इसमें क्या ऐड करूं कि यही नंबर रहे, तो आप क्या ऐड कर सकते हैं बेटा, आप इसमें जीरो ऐड कर सकते हैं सिर्फ, और कोई नंबर ऐड करूंगा तो बेटा चेंज हो जाएगा ना ये। तो एडिटिव आइडेंटिटी को आप ऐसे याद रखिए कि मैं क्या ऐड करूं किसी इंटीजर में कि वही सेम नंबर रहे, इवन आई कैन टेक नेगेटिव नंबर। सो व्हाट वी कैन सी इज कि अगर मैंने -10 लिया, उसमें जीरो ऐड किया, तो यू विल गेट -10 ओनली। तो ये इसीलिए हम इसको बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, जीरो मेरी एडिटिव आइडेंटिटी है होल नंबर्स के लिए भी और इंटीजर्स के लिए भी। डिफरेंस आपको पता है होल नंबर्स और इंटीजर्स में क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने ये देख लिया कि हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी हमने समझ लिया। तो ये हमारी इस पार्ट की लास्ट स्लाइड है, इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में फिर से एक एक्सरसाइज देखेंगे कि एडिशन सब्ट्रैक्शन में इन प्रॉपर्टीज को आप कैसे यूज कर सकते हो, या हाउ दीज प्रॉपर्टीज आर यूजफुल फॉर एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग इंटीजर्स। ओके।